प्रसन्न रहने लगे। सज्जनों, भगवान शंकर जो हैं संसार के बड़े भोले देवता हैं, इनके जैसा देवता बड़े दयालु बड़े कृपालु। सज्जनों, दक्षिण के किसी जंगल प्रदेश में रहने वाली एक शिकारी जाति का सरदार नाग था। उसका काम था हत्या करना, शिकारी थी। उसके बाणों की नोक पर जहर लगा रहता था और वो जहर ऐसा वैसा नहीं था, सो आग के समान जलता था। और क्रोधोन्मत्त सिंह के समान वह महाबली था, बहुत बलवान था। उसकी पत्नी एक सिंहनी के समान डरावनी दिखती थी। और ये जो है इसकी पत्नी, उजले शंख की माला और शेर के दांत लगे हुए थे उसमें, वो माला पहनती थी। शेर के दांत और उजले शंख की माला धारण करती थी। बहुत समय के बाद में इनके यहां एक पुत्र हुआ। अब उस पुत्र को इन्होंने अपनी गोद में लिया तो वो बहुत भारी था, बहुत भारी था, इसलिए इसका नाम रख दिया तिण। तिण नाम रखा गया। धीरे धीरे सज्जनों ये बड़ा हुआ। 16 साल की उम्र में इसने सारी शिकारी जाति की विद्याएं सीख ली। धनुष बाण चलाने में बड़ा निपुण था, शिकार करने में इसके जैसा और कोई नहीं था। अब जो नाग है ये इसकी थोड़ी वृद्धावस्था आ गई और अपने पुत्र को अपने कबीले का सरदार बना दिया। एक दिन जब ये शिकार करने के लिए गए तो सुअर इत्यादि का बड़ा शिकार किया इन्होंने। उसी जंगल में इसके दो नौकर और मिल गए, नाण और काण। ये दोनों नौकर इसको मिल गए। इन्होंने कहा, भैया सुनो, बड़ी जोर की प्यास लग रही है, तुम हमारे पिताजी के साथ में बहुत दिन से शिकार कर रहे हो, क्या यहां कोई जल की व्यवस्था है? तो नाण कहता है कि भैया एक विशाल साल वृक्ष है इस पर्वत पर, और साल वृक्ष के पीछे वो पहाड़ी के नीचे एक सुवर्णा नाम की नदी बहती है, बहुत सुंदर शीतल जल है, जल हमको वहीं मिलेगा, चलो। तो नाल को अपने साथ में लेकर ये पानी पीने के लिए चला। तभी उनका ये नौकर बोलता है, मालूम है सरदार, इस पहाड़ी के ऊपर भगवान श्री भोलेनाथ का बड़ा सुंदर मंदिर है, भगवान की मूर्ति है, भूत भावन भगवान भोलेनाथ विराजमान है, मैं आपके पिताजी के साथ में कई बार यहां आया। अच्छा, अब जैसे ही उसके कान में भगवान शंकर का नाम पड़ा तो उसके शरीर में एक कोई नई चेतना सी जाग गई। जो प्यास लगी थी, जो भूख लगी थी, वो सब धीरे धीरे उसकी दूर हो गई। भूख प्यास सब गायब है, चेतना है, और जल्दी जल्दी वो मंदिर जाने के लिए जल्दी जल्दी दौड़ने लगा। अब जो इनका नौकर है नाल, ये पीछे रह जाता है। और जल्दी से जाकर देखा, उसने भगवान भोलेनाथ के मंदिर के सामने पहुंचे और वहां जाकर देखा तो भगवान भोलेनाथ
के ऊपर कुछ जल और सूखे फूल पत्ती पड़े हुए थे। तुरंत उनको हटा दिया और भगवान भोलेनाथ से जाकर आलिंगन कर लिया, लिपट गया। जय हो मेरे भोलेनाथ, भगवान कितनी कृपा है, मेरे बाबा को यहाँ किसने पहाड़ पर रखा है, यहाँ जंगली जीव आते होंगे, इधर आपको कुछ भोजन की व्यवस्था भी नहीं होती होगी, मैं पूजन करने के लिए आतुर हो गया, मैं कैसे पूजन करूं। लेकिन विधान कुछ मालूम नहीं था इसको, तो क्या करूं, तो सोचता है कि देखो कितने दिन से यहां बैठे हैं, पता नहीं किसी ने खाने पीने को दिया है कि नहीं, और लोग सूखे पत्ते चढ़ा देते हैं, इनको ऊपर रख देते हैं। तो उनका जो साथी था उसने बोला, भैया यहाँ एक पंडित जी आते हैं, वही ये सब काम करते हैं सुबह सुबह। अच्छा, तो मैं क्या करूं, भगवान भोलेनाथ को छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही, लेकिन फिर भी बड़ी हिम्मत करके जाता है, शिकार करता है, नीचे जाकर मांस को पकाता है, उसमें से अच्छे अच्छे कुछ छोटे छोटे टुकड़े एक साल वृक्ष के पत्तों में रखता है और लेकर भगवान भोलेनाथ के लिए आता है। पानी के लिए, जल चढ़ाने के लिए मुंह में जल भर लेता है और आता है, एक हाथ में धनुष बाण है रक्षा के लिए, दूसरी हाथ में दोना है और मुख में जल है। अब क्या करें, फूल पत्ती देखी ऊपर चढ़ी है, तो उन्होंने अपने जूते की नोक से भगवान के ऊपर से फूल पत्ती हटाए और मुख से जल चढ़ाया और वो दोना रख दिया। अब बैठा है, रास्ता देख रहा है कि ये पाए, लेकिन भगवान भोलेनाथ तो ये सब चीजें भगवान को कहां चलती, लेकिन उसको कुछ पता ही नहीं है, वो तो भोला है, कुछ जानता ही नहीं है। सज्जनों, रात्रि में भी नहीं गया वो, मेरे भगवान अकेले रहेंगे, यहाँ हिंसक जीव रहते हैं, कहीं इनको कोई तकलीफ हो गई, कोई आ गया तो इनकी रक्षा कौन करेगा। रात भर पहरा दिया, सुबह सुबह इसका इसको लगा कि भगवान को भोग अच्छा नहीं लगा, ये भोजन अच्छा नहीं लगा, मैं कुछ और अच्छे से लाऊंगा। ये गया शिकार करने के लिए, जब तक पंडित जी आए तो देखा तो पंडित जी के तो पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। हे मेरे भोले बाबा, ये सब क्या हो गया, इतना अपवित्र आपका मंदिर कर दिया। बहुत दुखी हो गए, उन्होंने बचते बचाते निकले, कहीं शरीर से कोई मांस का टुकड़ा न स्पर्श हो जाए, फिर कहीं जंगल से झाड़ पेड़ी तोड़कर लाए और उसको साफ किया, एक तरफ किया, नीचे गए, जल भरकर मंदिर को साफ किया, पुनः स्नान किया, फिर बड़ी प्राश्चित पूजन करी और बड़ी क्षमा मांगी और अपने घर को चल गए। फिर सज्जनों, तिण को आने में थोड़ा विलंब हो गया, उसने शिकार किया, बोले कल भगवान ने भोग नहीं पाया था, आज उसने कई प्रकार के जीवों को मारा है, छोटा छोटा टुकड़ा जो अच्छा रहता है वो लेकर आया है, मधु तोड़ी उसमें शहद निचोया और फिर एक वृक्ष के पत्तों में रखकर लेकर आता है। बोले बाबा अब तो पालो, मैंने बहुत अच्छा लेके आया हूं, और चक चक के देखता है लेकिन खुद नहीं खाता। अब तो पालो, मैं बहुत अच्छा भोजन लेके आया हूं आपके लिए, मैंने इसमें शहद भी निचोड़ा हुआ है, ये बहुत अच्छा है, मीठा है, आप पालो। सज्जनों, ऐसा क्रम चलते 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 5 दिन हो गए। पंडित जी तो बेचारे इतने दुखी हो गए, इतने दुखी हो गए, भगवान मुझे क्षमा कर देना, ये क्या हो रहा है मेरे मंदिर में, मेरे प्रभु के मंदिर में एक कौन विपदा सी आन पड़ी है। जब पंडित जी की व्यथा को देखकर भगवान भोलेनाथ ने उनको स्वप्न में कहा, सुनो पंडित जी, एक बड़ा भोला भगत मेरे मंदिर में आया और उसकी इतनी भक्ति है, इतनी भक्ति है, जब वो
अपने मुख से मेरे ऊपर जल डालता है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे सर पर किसी ने गंगा जल डाल दिया। और अपने बालों में जो फूल खोस के लाता है वो थोड़े थोड़े वो भगवान भोलेनाथ को जब चढ़ाता है तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे देवता गण मेरे ऊपर पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। अपने जूतों की नोक से वो जब उन पुष्पों को हटाता है तो वो स्पर्श मुझे ऐसा लगता है जैसे कि कोई बहुत बड़ा भक्त मेरी सेवा कर रहा है। लेकिन रही बात जो प्रसाद बोलाता है वो तो हमको नहीं चलता है, लेकिन उसकी भक्ति देने देखने योग्य है। मैं उस पर प्रसन्न हूं, उसका मनोभाव बड़ा विचित्र है। आज तुम पूजन के बाद में उसकी भक्ति देखना चाहते हो, आज तुम पूजन के बाद में मेरी मूर्ति के पीछे छुप जाना और देखना क्या करता है। पुजारी जी पूजा करके छुप गए, तिण आया, आज उसको विलंब हो गया, 5 दिन से उसने कुछ खाया पिया नहीं, शरीर उसका बिल्कुल टूट सा रहा था। लेकिन उसको रास्ते में आते आते कुछ अपशगुन दिखाई पड़े जिससे उसने समझा कि आज मुझे कोई अपने प्रिय का रक्त देखने को मिलेगा। जैसे ही वो आया भगवान भोलेनाथ के पास में तो भगवान भोलेनाथ की आंख से रक्त निकल रहा था। अरे राम, मैंने जो सोचा था वही हुआ कि क्या हो गया भोले बाबा, लोट पीट हो गया पूरे मंदिर में। उसने परेशान हो गया वो बेचारा, क्या करूं क्या करूं। तब उसको याद आया कि कुछ तो करना पड़ेगा। दौड़ा दौड़ा जंगल में गया, जंगल में जाकर उसने जो जड़ी बूटियां अपने पूर्वजों से सीखी थी वो जड़ी बूटियां लेकर आया और लाकर घिस घिस कर हाथ से कुचल कुचल कर पत्थर पे कुचल कुचल के भगवान की आंखों में डाला। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, आंखों से रक्त, आंख से रक्त की धारा तो वही रही थी। तब उसने के मन में एक विचार आया कि हमारी जाति के लोग कहते हैं कि यदि कहीं का मांस गायब हो जाए तो उस जगह अपने शरीर का मांस यदि लगा दिया जाए, कोई दूसरा मांस लगा दिया जाए तो वो घाव जल्दी भर जाता है। तो उसने बिल्कुल देर नहीं करी साहब, अपना बाण निकाला और अपनी आंख को उस बाण की नोक से आंख निकालकर भगवान भोलेनाथ की आंख पर रख दी। तुरंत रक्त बंद हो गया, खुशी के मारे झूमने लगा, चलो मुझे इलाज मिल गया, मेरे प्रभु की आंख से रक्त निकलना बंद हो गया। उसकी खुशी ज्यादा देर ना रही साहब और दूसरी आंख से रक्त निकलने लगा। फिर सोचता है अब मैं क्या करूं, बोले कोई चिंता की बात नहीं है, अभी एक आंख अपने पास है, लेकिन आंख निकल जाएगी तो फिर देखेंगे कहां लगेगी कहां। तो उसने क्या किया, अपना एक पैर भगवान की बाईं आंख पर रखा ताकि जगह ना भूल जाए कहां लगाना है, और देर ना करी साफ बाण निकाला और आंख के बाजू में जैसे ही कपाने लगा तुरंत हाथ पकड़ लिया, ठहर जाओ बस ठहर जाओ, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं। पंडित जी ने भी भगवान के दर्शन करे देखा, इसलिए भगवान भोलेनाथ का दिव्य आशीर्वाद उसको मिला। और भगवान के भगवान ने इनका नाम कहा कणप, ठहर जाओ, आंखों के दाने कणप को भगवान ने आशीर्वाद दिया। तो ऐसे है हमारे भोलेनाथ। तो सब भगवान केवल सज्जनों कहते हैं भाव का होता है, प्रेम होना चाहिए।